राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जिसकी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। लेकिन इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति की सुरक्षा किसी गैर जिम्मेदार हाथों को तो नहीं दी जा सकती। इसलिए राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ग्रुप यानी PBG का गठन किया जाता है। इस ग्रुप के बारे में आपको सभी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, यानी सबसे प्रथम व्यक्ति। इसकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके लिए PBG का गठन किया जाता है। PBG यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ग्रुप। अब आपको एक एक करके इसके बारे में हम जानकारी देते जाएंगे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि PBG का गठन सन 1773 में किया गया था। राष्ट्रपति के साथ हर पल साथ रहने वाले ये अंगरक्षक लंबे, चौड़े, रौबदार और चटक पोशाक वाले होते हैं। राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ये कमांडर इन चीफ भी होता है, साथ ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होने के कारण इन्हें सेना की सर्वोच्च यूनिट दी जाती है, जिसे PBG कहा जाता है। PBG की तालीम बेहद खास रहती है। 2 वर्ष की कठिन ट्रेनिंग के बाद 176 जवानों का गठन किया जाता है, जिनमें 4 ऑफिसर्स, 11 जूनियर कमीशनड ऑफिसर और 161 अन्य जवान होते हैं। इन सभी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए भी अलग से नियम बनाए गए हैं। PBG की एक खास जाति और खास राज्य होता है। सामान्य तौर पर PBG को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से चुना जाता है, और इनकी जाति का बंटवारा जाट, सिख और राजपूत जातियों में किया जाता है। जैसा कि हर एक सैनिक की नियुक्ति में किया जाता है, PBG के गठन करते समय भी सैनिकों की लंबाई 6 फुट होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर की भी कमी इनकी नियुक्ति में खल पैदा कर सकती है। जैसे ही एक जवान की PBG में गठन हो जाता है या एक जवान की नियुक्ति कर ली जाती है, वैसे ही उस जवान के द्वारा अपने कमांडेंट के सामने एक तलवार पेश की जाती है, जिसको छूकर वो कमांडेंट जवान को उस यूनिट में शामिल कर लेता है। इस यूनिट की एक खास बात यह भी है कि इसमें शामिल सभी जवान अच्छे घुड़सवार होते हैं। ये सभी इतने अच्छे घुड़सवार होते हैं कि इनका घोड़ा कितनी भी तेज गति में क्यों ना हो, ये जवान उस पर काबू पा ही लेते हैं। PBG का गठन आज से लगभग 252 साल पहले यानी सन 1773 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। उस समय सिर्फ 50 जवान ही PBG यूनिट में शामिल हुआ करते थे। तब से लेकर आज तक इन जवानों के द्वारा राष्ट्रपति की सेवा की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PBG यूनिट का पहला कमांडर ब्रिटिश था, जिसका नाम स्विंटू था। उस समय 1 कैप्टन, 1 लेफ्टिनेंट, 4 सार्जेंट, 6 दफादार, 100 पैराट्रूपर्स, 2 ट्रम्पटर्स और 1 बग्गी चालक को इस यूनिट में शामिल किया जाता था। लेकिन समय समय के साथ इसमें परिवर्तन हुए और इनकी संख्या में परिवर्तन होता चला गया, और आज के समय PBG की संख्या लगभग 176 हो चुकी है। इनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रपति की सुरक्षा करना होता है। इसके लिए ये अपनी जान को भी दांव पर लगा सकते हैं। ऐसे ऑफिसर्स को हमारा सलाम है। राष्ट्रपति के इन महत्वपूर्ण अंगरक्षकों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए मोजो पत्रकार। नमस्कार।